सभी का धन्यवाद आने का, और जिसको मानी माता से प्यार था वो आ गया, जिसको था या नहीं था, जिसकी जो तकलीफ है वो उसी के कारण था। तो सबको दिवाली की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो दिवाली एक सत्य की कार्य में थी और सत्यवादी श्री राजा रामचंद्र भगवान, अगर भगवान श्री राजा रामचंद्र भगवान जी घर में रहते तो सिर्फ राम ही कहलाते। जब उनको उनकी माता जी ने वनवास दे दिया और वनवास को उन्होंने माना और 14 साल का वनवास के लिए चले गए, तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वो कैसे कहलाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम? एक जगह राजगद्दी मिल रही है और एक जगह पे वनवास मिल रहा है। अगर हम सबको एक जगह पे धन दौलत मिले और एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ या माता जी की या प्रभु की या हनुमान की बाबा की चादर मिल रही हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो धन दौलत पड़ी हुई है उसको ले जाएंगे। बाकी बात यह होगी चादर ये तो भगवान की चादर है, उतरी हुई चादर हमने बना ली गई है, लेकिन जो भगवान के पास पैसा पड़ा है वो सारा अगर आपको दे दिया जाए तो आप बोलोगे चादर की कीमत क्या है, ये तो पैसों की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन उस चादर के अंदर प्रभु को पूरे अपने आप को लिपटा हुआ था, तो जब वो ओढ़ लेते तो सारी चीजें आपको मिल जाती। लेकिन क्या होता है हम सब मायावी जीवन में रहते हैं, तो मायावी जीवन में रहने के साथ साथ जो है तो इसी माया कार्य में भी आ जाते हैं। तो हम सब धन दौलत के पीछे जरूर भागेंगे, कोई चाकर के पीछे नहीं भागेगा या कोई प्रभु के चरण कमल के लिए नहीं जाएगा, धन दौलत के पीछे जरूर जाएगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी ने भी राजगद्दी की जगह उन्होंने वनवास लिया, और वनवास लेकर जब गए तो बीच में हर जात के लोग मिले, मतलब एक जात के लोग नहीं हर जात के लोग मिले। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी जाते गए तो ऐसे जाते तो वो
Thank you.